आल टाइम लाफिंग बुड्ढा फेवरेट मेरे पास तो है, मैं लेके क्या करूँगा। रही बात तांबे की चूड़ा, मैं तो डोंगरगढ़ गया था तो ले डाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत लोग बोले थे गुस्सा बहुत चिड़चिड़ाता बहुत है, तो तांबे का अंगूठी और तांबे का चूड़ा पहनना करके, तो मैं पहन डाला हूँ, अभी भी है मेरे हाथ में। ओ भाई अब किधर जाए, अब चलते हैं इधर, इधर चलते हैं इधर। अच्छा यार सब अपने फैमिली के साथ आए हैं, कई लोग कपल आए हैं, देख सकते हो क्या माहौल है। वहाँ लिखा है गंगा मैया पुलिस चौकी, लेकिन यहाँ कोई पुलिस नहीं है, और तो देख सकते हो आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं सभी लोग। एक चीज़ बड़ा ही अच्छा लगा, यहाँ भी लाइव दिखाया जा रहा है तुरंत के तुरंत, कई लोग यहाँ आके देख सकते हैं उधर क्या चल रहा है, देख सकते हो इधर बुक बिक रहा है पूरा धार्मिक पंथ की, पूरा महाभारत बहुत से रिलेटेड। और पुलिस दादा देखो बढ़िया है, पौधे में पानी डाल रहे हैं। चलिए चलिए मंदिर की ओर चलते हैं, अभी थोड़ा खाली दिख रहा है मेरे को, 35 मिनट हो गया। हाँ आए, आज मेरे बहुत ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि मैं अपना EMI का पावर बैंक भूल गया, और उसके कारण मेरे थोड़ा बहुत सारा स्किप करना पड़ा, तो बड़ा अजीब लगा आज। अगर जीजू पास जब मैं जल्दी से नहीं पहुँचता तो दुकान मेडिकल बंद हो जाता, मैं चार्ज भी नहीं कर पाता, तो अच्छा है मैं सही से पहुँच गया धमतरी से स्पीड में। और अभी भी फास्ट चार्जिंग हुआ, फिर भी 15% ख़त्म हो चुका है, केवल 10% में चल रहा हूँ मैं, और 4K पर 60 FPS में हो रहा है रिकॉर्ड पर सेकंड, तो खींच रहा है बैटरी, फ्लैश जला के ले रहा हूँ। तो अब नहीं जा सकते दोस्त, क्योंकि देख सकते हो कैसा है माहौल। वाह अरे, यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए कितना भीड़ है, देख सकते हो ये मंदिर में कैसा भीड़ है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है दोस्तों। पंचमी है आज, 5वां दिन नवरात्रि का, पंचमी को बहुत अच्छे से मानते हैं सभी गांववासियों लोग, पंचमी को बहुत अच्छे से मानते हैं, उपवास तोड़ने यहाँ आते हैं। एक चीज़ अच्छा किया हुआ है, क्योंकि मैं हेलमेट में शूट कर रहा हूँ तो वॉइस अच्छे से क्लियर जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ इतना क्राउड है उससे ही वहाँ मेरा आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देता। हेडफोन का वो कर रहा हूँ मैं, प्रयोग बोल सकते हैं, बोया का रखा हूँ मैं, तो उसको डाल के मैं कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्राइटनेस कम करने के बाद ऐसे दिख रहा है। सभी लोग घूम घूम के थक गए हैं दोस्तों, कई लोग दोपहर से सुबह से आए हुए हैं, रात में निकलते हैं अपने घर की ओर, सब प्राइवेट गाड़ी में आए हुए हैं इसीलिए बैठे हैं ऐसे। आज तो भानु प्रताप वाले रोड भी काफ़ी बिजी रहेगा, आगे रास्ते में दिखाऊंगा मैं, अच्छा नाटक हो रहा है। तो हम भी बैठ के थोड़ा चिल कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि इतना भीड़ में, तो देख सकते हो अंदर कलश है ऊपर, और ऊपर देख सकते हो जोत जल रहा है, ऊपर भी जल रहा है पूरा, और भीड़ देख सकते हो, कई लोग यहीं से जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। और ऑल टाइम फेवरेट मेरा शोक पेड़ भी है यहाँ पे, देख सकते हो हर वीडियो में बताते रहता हूँ मैं, मिल ही जाता है हर जगह ये मेरे को। चलिए अब वीडियो एंड करने का समय आ चुका है, मैं भी निकलूँगा भानु प्रतापपुर, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर और बचा है मेरा रनिंग, तो देख सकते हो अभी 10 बज चुके हैं, फिर भी भीड़ को देखो ज़रा। और यहाँ का एक लास्ट नज़ारा दिखा देता हूँ आपको, बड़ा ही वाटर शो छोटा हो रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उधर से लाइन आ रही है, ऐसे जा रही है पूरा, देख सकते हो, और 10 बज चुके हैं, फिर भी भाई इतना भीड़। अब चलो हम
कभी जगह नहीं है दोस्तों, क्या बताऊँ, इतना भीड़ में है। डोंगरगढ़ से याद आ गया मेरे को। घर की ओर बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं गाड़ी ठीक सलामत है कि नहीं। कई लोग पैदल यात्रा करके आए हुए हैं जो यहाँ रुकेंगे आज, फिर कल निकलेंगे सुबह। बहुत दूर दूर से आते हैं और ये देख सकते हो दुर्ग वाला रोड है इधर, और इधर भानु प्रतापपुर कांकेर वाला रोड है ये। तो गाड़ी को सही सलामत देख के दिल भर आया, अच्छा लगा। अपन चलेंगे अब घर की ओर।
वीडियो कैसे लगा, इतना मेहनत से बनाया हूँ दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। आप मेरे को आगे देखना, मैं कैसा कैसा कहाँ कहाँ जगह जाता हूँ, आपको मानना पड़ जाएगा मैं ऐसा सा वीडियो बनाऊँगा। मतलब सीजी में और यूट्यूबर हैं, उन लोग भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ कोई भी चीज़ को, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।